लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो मॉडल तैयार किए थे। फर्स्ट वन इज कैटेगरी, सेकंड वन इज फूड आइटम। ठीक है, तो बाय मिस्टेक लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक गलती की थी। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे देख लो आप, दोनों के दोनों कैटेगरी जो मॉडल है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो पहले तो हमको ये ठीक करना पड़ेगा, तो इसके लिए वीएस कोड पे चलते हैं एंड हम लोग आएंगे अपने मॉडल्स पे जहाँ पे हम लोगों ने दो मॉडल तैयार किए थे। पहला देख लो यहाँ पे, कैटेगरी क्लास बनाई थी हम लोगों ने, सेकंड बनाई थी हम लोगों ने फूड आइटम क्लास। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने मेटा क्लास ऐड की थी फूड आइटम के अंदर, इस फूड आइटम से यहाँ से रिमूव करना है आपको। एंड रिमूव करने के बाद आपको इसको ऐड कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे अपने कैटेगरी क्लास के अंदर सिंपल। ठीक है, सेव करने के बाद जब अगेन आप अपने एडमिन पैनल पर आएंगे तो यहाँ पे आपको जब इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कैटेगरीज मॉडल बन जाएगा, सेकंड आपका फूड आइटम्स। सो आज की क्लास में क्या करेंगे, हम इस कैटेगरी में कुछ अपनी डमी कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इसको कैसे कॉन्फिगर करेंगे अपने एडमिन डॉट पी आई फाइल के अंदर, ठीक है, या टेबल के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग बेसिक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, तो ऐड क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं एक वेंडर है यहाँ पे दीपक रेस्टोरेंट टेस्ट करके, एंड यहाँ पे हम लोग अपनी कैटेगरी का नाम डालेंगे। तो जैसे मैं पहली कैटेगरी ले रहा हूँ बर्गर, BURGER बर्गर। अब जब मैं कैटेगरी का नाम एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट फील्ड बनाया हुआ था। सिलेक्ट फील्ड का मतलब भी होता है कि जब मैं कैटेगरी एंटर करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड फिल हो जाए, ऑटो फिल हो जाए। तो इस फंक्शनलिटी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आते हैं वीएस कोड में, एंड वीएस कोड में आने के बाद देखो जो हमारी एप्लीकेशन थी मेन्यू एप्लीकेशन, इसमें आने के बाद आपको आना है एडमिन डॉट पी आई फाइल में। इस एडमिन डॉट पी आई फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, कैटेगरी मॉडल, CATEGORY कैटेगरी एडमिन। इसके बाद यह लिखना आपको एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, MODEL मॉडल एडमिन। इसके बाद आपको लगाना है कॉलन, देन यहाँ पे आपको एक फील्ड ऐड करना होता है, इसका नाम होता है प्री पॉपुलेटेड सिलेक्ट, प्री पॉपुलेटेड अंडरस्कोर फील्ड, FIELDS। देन यहाँ पे प्री पॉपुलर फील्ड में आपको डिक्शनरी देनी होती है। डिक्शनरी में पहला फील्ड होता है आपका स्लग एंड सेकंड की के फॉर्म में, सॉरी की फॉर्म में क्या होना आता है आपे, ये की कॉलन लगाना है यहाँ पे एंड की फॉर्म में आपको डिक्शनरी या लिस्ट पास करनी होती है। तो मैं यहाँ पे टपल की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ कैटेगरी का नेम, कैटेगरी GORY कैटेगरी अंडरस्कोर नेम एंड यहाँ लगाना होता है कॉमा। अगर कॉमा नहीं दोगे आप तो ऐसा ये टेक्स्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर आपको एक एरर देखने को मिलेगा। देन सेव करने के बाद ये जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास को आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे कर देना है इसको रजिस्टर्ड। यहाँ पे सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद फिर आप चेक करोगे, जब आप यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले ताकि फिर दोबारा से ऐड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे रेस्टोरेंट, धनिया लिखता हूँ मैं बर्गर, BURGER। तो जब मैं आप बर्गर टाइप करो देख लो यहाँ पे सिलेक्ट आपका ऑटोमेटिक आएगा एंड जब मैं स्पेस लिखूंगा, जैसे बर्गर किंग लिखा मैंने यहाँ पे किंग, तो स्पेस को ये किससे करेगा ट्रिएट, हाइफन से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको भी बर्गर रखता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देना दे सकते हो आप, दिस इज बर्गर कैटेगरी। ठीक है, बस ये डमी डिक्शनरी दे रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है एंड इसी तरीके से मैं दो तीन और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। तो बर्गर हो गया, सेकेंड रेस्टोरेंट का नेम एंड मैं पिज्जा ले लेता हूँ, PIZZA पिज्जा, दिस इज पिज्जा, देन आपको इसको ऐड कर देना। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर लेनी है। देन जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सी फूड, ठीक है, सी फूड डिस्क्रिप्शन, देन बाद में इसको मॉडिफाई कर लेंगे, बट आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग कैटेगरी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगेन, अब मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे चिकन, CHICKEN चिकन, दिस इज CHICKEN चिकन डिस्क्रिप्शन एंड देन सेव कर देना है। तो हम लोगों ने कितनी करी, चार कैटेगरी ऐड कर ली यहाँ पे, बट हम चाहते हैं कि कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पे वेंडर का नाम भी शो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नाम ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे, आप देखोगे जब मॉडल में जाओगे ना आप यहाँ पे,
तो स्ट्रिंग की फॉर्म में हम लोगों ने कैटेगरी का नेम रिटर्न कराया हुआ था, इसलिए हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कैटेगरी का नेम देखने को मिल रहा है। बट मुझे अगर वेंडर का नाम भी चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए अगेन चलेंगे वीएस कोड में, एडमिन डॉट पे फाइल में आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एक फील्ड और ऐड कर देंगे जिसका नाम रहेगा लिस्ट, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, ठीक है। एंड यहाँ पे टपल के फॉर्म में मैं जो भी फील्ड आप वहाँ पे शो करना चाहते हो वो यहाँ पे नाम डाल दिए। जैसे अब मुझे पहला फील्ड दिखाना है कैटेगरी का नेम, तो मैं पहले कैटेगरी का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, देन कॉमा लगाना है, अगेन सिंगल कोट के अंदर मुझे क्या चाहिए, वेंडर चाहिए, वेंडर, ठीक है, एंड कॉमा लगाना है। इसके बाद और क्या फील्ड था यहाँ पे, एक कैटेगरी का नेम था, एक सेकंड वेंडर था, एंड थर्ड मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्रिएटेड एट, या फिर ये तो अपडेटेड एट, ये तीन फील्ड मुझे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपडेटेड एट, देन सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन आपको जाना है एडमिन पैनल में, इसको रिफ्रेश जब आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैटेगरी का नेम मिल जाएगा, देन यहाँ पे आपको वेंडर मिल जाएगा, एंड यहाँ पे अपडेटेड टाइम मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सर्च फील्ड लगा सकते हैं कि जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट के नाम से या फिर कैटेगरी के नाम से मुझे सर्च करनी है यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए अगेन आएंगे यहाँ पे, एंड एक मैं सर्च फील्ड ऐड कर लेता हूँ, SERCH, सर्च अंडरस्कोर फील्ड, ठीक है। सेम इसमें भी ये करेंगे हम लोग, तो पहले क्या रहेगा हमारा, कैटेगरी का नेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, कैटेगरी का नेम, देन कॉमा लगाना है, सिंगल कोट के अंदर मुझे वेंडर का नेम भी चाहिए, तो VENDOR वेंडर, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना कि जो हम लोगों ने वेंडर लिखा है ना, ये जनरली वेंडर किससे बिलोंग करता है, वेंडर कैटेगरी से, मतलब वेंडर मॉडल से। सो जब आप वेंडर टाइप करोगे तो ये ऑलरेडी किसी दूसरे मॉडल से कनेक्टेड है, तो हम लोग वेंडर पे जाएंगे, ये जो वेंडर है हमारा, अकाउंट एप्लीकेशन में आओगे, अकाउंट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ देख रहे हो मॉडल, इस मॉडल में शायद मैंने एक वेंडर मॉडल बनाया होगा, यूजर है हमारा एक, सुपर यूजर, यूजर नहीं है, तो मैंने कहाँ बनाया इसको, मेन्यू मॉडल में तो बनाया नहीं होगा मैंने यहाँ पे, वेंडर मॉडल, वेंडर वेंडर, एक मिनट यहाँ देखता हूँ मैं, वेंडर में मॉडल क्लास बना रखी मैंने, तो वेंडर एप्लीकेशन में जाना है हमको, एंड वेंडर में जाने के बाद यहाँ देख रहे हो मॉडल्स में जाना है, एंड यहाँ पे ये मॉडल है हमारा वेंडर, एंड यहाँ पे देखो आपको मिलेगा वेंडर नेम, तो मुझे वेंडर का नेम चाहिए, इस वाले मॉडल का वेंडर का नेम चाहिए, तो ये कैसे हम लोग ऐड करेंगे, देखो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे वेंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड देन वेंडर नेम, ठीक है, वेंडर नेम, ये वेंडर नेम क्यों आ रहा है यार, क्या करें, यूजर नेम, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, नाम मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये नेम आपको मिल जाएगा, मैं देखूंगा, चलो चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ देख रहे हो सर्च, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सी फूड, सी एंड सी लिख के मैं सर्च करता हूँ एक बार, यहाँ देख रहे हो सी फूड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड चिकन लिखता हूँ CHICKEN, चिकन, तो चिकन की स्पेलिंग गलत हो गई, CHICKEN, चिकन लिख के हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे चिकन कैटेगरी दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनलिटी हम लोगों ने क्या कर ली, इसमें ऐड कर ली, आप चाहो तो रेस्टोरेंट के नाम से भी सर्च कर सकते हो, जैसे दीपक लिखा मैंने एंड सर्च किया, सो दीपक कैटेगरी के जितने दीपक रेस्टोरेंट जितने ब्रांड होंगे वो सर्च करके दिखा देंगे आपका, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इसके बाद अब हम किस पे काम करेंगे, हम अब काम करेंगे फूड आइटम पे, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, फूड आइटम पे आते हैं, एंड फूड आइटम के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं फूड आइटम को। अब जैसे पहली चीज तो आपको ये कि वेंडर से ऐड करना पड़ेगा, सेकेंड किस कैटेगरी में आप किसी फूड आइटम को ऐड करते हो, जैसे मान के चलो कि मैं एक बर्गर लेता हूँ, जो किस में आएगा, बर्गर कैटेगरी में आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से बर्गर ले लेता हूँ, देन यहाँ पे टाइटल डालना है, सो मैं लिखता हूँ बर्गर किंग, BURGER, बर्गर के, ये टाइटल हो गया हमारा, या बर्गर का नाम क्या लिखूँ, CHICKEN, चिकन बर्गर, ऐसे करके,
बट यहाँ देख लो आप, इसका सिलेक्ट ऑटोमेटिक फिल नहीं हो रहा है, तो सेम फंक्शनलिटी किसके साथ करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे। अगेन आएंगे हम लोग एड इम्पोर्ट पे फाइल के अंदर, देन यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास, एंड क्लास का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, फूड आइटम एडमिन, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, एड मॉडल एडमिन लगाना है कॉलन, एंड सेम वही रहेगा हमारा प्री पॉपुलेटेड फील्ड, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा सिलेक्ट, बट यहाँ पे कैटेगरी के नेम की जगह क्या आ जाएगा फिर, फूड टाइटल, फूड अंडरस्कोर टाइटल। इसके साथ साथ लिस्ट डिस्प्ले भी लगा लेते हैं हम लोग, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, ठीक है। एंड लिस्ट डिस्प्ले पहले किसी क्या रहेगी भाई, पहले रहेगा आपका फूड अंडरस्कोर टाइटल, एंड सेकंड हम ले लेंगे कैटेगरी, चेक कर लूँ क्या, मेन्यू है हमारा फूड आइटम आना है हमको, एंड पहले तो फूड टाइटल हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा कैटेगरी, सो फूड आइटम यहाँ पे कॉमा लगाना है, एंड सिंगल कोट के अंदर फूड कैटेगरी हो जाएगा हमारा, एंड कॉमा लगाना है आपको। इसके बाद हम दिखाएंगे वेंडर, वेंडर वेंडर हो जाएगा, इसके बाद प्राइस, PRICE, प्राइस से प्राइस ही से एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, हाँ प्राइस ही है ना। प्राइस के बाद ये देखेंगे कि अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो इज अवेलेबल ले लेंगे हम लोग, कॉपी करते हैं। अब ऐसा करने से ये फायदा होता है कि इसमें ना गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हम लोगों से। देन लास्ट में क्या चाहिए हमको, अपडेटेड एट, सेव करते हैं कॉपी करके एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। सो ये सारे फील्ड हमको मिल जाएंगे, वो दोबारा मैं रीचेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है क्या कोई, ओके सो क्या नहीं कह रहा, हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया, मतलब इसमें ऐड नहीं किया, जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी ना, इस क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करा, तो यहाँ पे मैं कॉमा करता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेश कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे सर्वर सही चल रहा है, अभी क्या दिखा रहा है, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ओके सो यहाँ पे कॉमा लग गया क्या हमसे, ओके ठीक है, सेव करते हैं। अभी चेक करते हैं सर्वर, क्योंकि दिखा रहा है वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्प्ले रेफर्स टू द कैटेगरी विच इज नॉट कैपेबल टू एट्रीब्यूट अ फूड आइटम, ठीक। ये जो कैटेगरी है ये फूड आइटम से बिलोंग नहीं करता, तो मैंने बताया था आपको कौन सी, ओके सो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे ना एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ था हम लोगों ने, जिस वजह से एरर दे रहा था ये, ठीक है। स्पेस नहीं रखना आपको सिंगल कोट के अंदर, आपको बस नॉर्मली टाइप करना है, ठीक है। सो इसके बाद अगर आप चेक करेंगे सर्वर, तो आपका एरर चला जाएगा, देन अगेन आपको आना है एडमिन पैनल में, इसको रिफ्रेश करना है एंड देन अगेन आपको जाना है वेंडर कैटेगरी, लेते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे बर्गर ले लिया हम लोगों ने, टाइटल लिखते हैं बर्गर किंग, देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है, लिखा फूड आइटम बर्गर किंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाद में क्या करूँगा मैं, जब वीडियो बंद हो जाएगी हमारी ये, मतलब क्लास ओवर हो जाएगी, तो क्लास ओवर के बाद मैं इसमें क्या कर लूंगा, कुछ बेसिक कैटेगरीज ऐड कर लूंगा एंड कुछ फूड आइटम्स ऐड कर लूंगा, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लीजिएगा। देन यहाँ मैं प्राइस लिखता हूँ इसका 100, तो मैं 150, देन चूज इमेज, तो इमेज हम लोग ले लेते हैं। तो आपको मैंने ना एक रिसोर्सेस फोल्डर दिया होगा मैंने यहाँ पे, अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, फूड ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये फोल्डर मिलेगा आपको फूड ऑनलाइन रिसोर्स नाम से, इस पे जाना है, डेमो इमेजेस आपको मिल जाएंगे कुछ, ठीक है। तो जैसे ये बर्गर हो गया हमारा, इस बर्गर को मैं ले लेता हूँ, देन इसको ओपन करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको सेव कर, एक ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ बर्गर के लिए, रेस्टोरेंट कैटेगरी बर्गर, एंड ये लगता है हमारा चीज बर्गर, चीज बर्गर,
चीज बर्गर डिस्क्रिप्शन, देन नीचे आना है। मैं इसका 200 रखता हूँ प्राइस। इसके बाद यहाँ पर जाके इमेज लेते हैं हम लोग। चीज बर्गर तो यही था यार, और कोई है इमेज बर्गर की? चलिए ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको हम लोग सेव कर देते हैं। दो गए, अब हम क्या करेंगे, एक फूड आइटम लेंगे न्यू कैटेगरी से। जैसे रेस्टोरेंट तो ये रहेगा हमारा, रेस्टोरेंट यही रहेगा। कैटेगरी हम लोग चेंज कर देंगे, पिज्जा कर लेंगे। एंड यहाँ कह रहे हम लोग चीज पिज्जा। एंड यहाँ पे पिज्जा, एंड देन यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 500। एंड इमेज ले लेते हैं पिज्जा की, एक पिज्जा। एंड देन इसको सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, लास्ट बस ये सेव करते हैं। कैटेगरी पिज्जा ही रहेगी हमारी, इटालियन पिज्जा, इटालियन पिज्जा, इटैली टेस्ट डाल दे रहा हूँ बस, टाइप बच जाएगा सर। एंड इसके बाद $600 इमेज डालते हैं। एंड इटालियन पिज्जा, एंड देन इसको करते हैं सेव। ठीक है, हो गया सेम। इसमें भी क्या करना, हमको लिस्ट डिस्प्ले दिखाई दिए क्या क्या फील्ड हमको चाहिए। देन आप चाहो तो इसमें सर्च फील्ड भी लगा सकते हो, आप कि सर्च भी कर सकते हो। सर्च के लिए क्या करना है, सिंपल आपको जो बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे सर्च फील्ड आइटम ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको कॉपी करा मैंने इसको यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्च फील्ड में क्या क्या चाहिए आपको, जैसे देखो मुझे पहली चीज़ तो ये चाहिए फूड टाइटल। मैं फूड टाइटल सर्च कर सकता हूँ अपने फूड आइटम को। इसके बाद मुझे चाहिए कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी सर्च कर सकता हूँ कैटेगरी। एंड मुझे वेंडर के नेम से सर्च करना है, तो यहाँ से मैं कर लूँगा वेंडर का नेम। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर और वेंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेंडर नेम। एंड देन प्राइस से करना चाहते हो तो प्राइस से भी कर सकते हो। सेव करना है, सेव करने के बाद अगेन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, तो रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे जैसे लिखा मैंने 600, 600 लिखा, देन सर्च किया। सो ये दिखा रहा है अनसपोर्टेड लुकअप आई कॉन्स्टेंट ज्वाइन द फील्ड नॉट परमिटेड। ओके सो इसके अलावा कोई दूसरे फील्ड डालने के बाद जैसे लिखा मैंने पिज्जा, इसके बाद सबमिट करते हैं। आई कॉन्स्टेंट एरर दे रहा है, ठीक है चलो चेक करते हैं इसको क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कैटेगरी के बाद यहाँ पे करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी नेम, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ पे हो गया वेंडर नेम एंड बाकी सब कुछ तो ठीक ही है भाई। कैटेगरी ठीक, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं फटाफट। अब शायद ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई। वेंडर नेम फॉर फॉरन की ज्वाइन द फील्ड नॉट परमिटेड। ओके दिखा रहा भाई, कैटेगरी अंडर स्कोर अंडर स्कोर कैटेगरी नेम, पहला हो गया हमारा फूड टाइटल। एंड एक बार अब फूड टाइटल से ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे फूड टाइटल सेव करते हैं इसको, मैं सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो गलती जो होगी पता लग जाएगी हमको एक बार। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे पिज्जा, PIZZ पिज्जा लिखा एंड सर्च किया। ओके तो ये टाइप मतलब ये तो कैटेगरी तो टाइट फूड टाइटल तो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। इटालियन लिखा हमने एंड सर्च किया इटालियन, इस पे चढ़ाना है सर्च करना है, स्पेलिंग लग गया ITELIAN इटालियन ITE, ठीक है। ओके ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारा फूड आइटम। बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जब हम लोग इसमें कैटेगरी का नेम ऐड कर रहे हैं। सो कैटेगरी का नेम, जैसी कैटेगरी हो गया हमारा ये कैटेगरी,
अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी, स्पेलिंग में यहाँ से कॉपी कर लूंगा ताकि गलती ना हो, पूरा टर्म से कैटेगरी नहीं, कॉपी करते हैं इसको एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, कैटेगरी सेव करते हैं एंड देन अब चेक करते हैं कैटेगरी के नाम से। ठीक है इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। पिज्जा देख रहे हो, जब पिज्जा लिखा था पिज्जा से आया तो, एंड कैटेगरी नेम तो हो गया, बर्गर करता हूँ BURGER बर्गर। ओके परफेक्ट बर्गर आ गया। इसके बाद फिर लेते हैं हम लोग वेंडर का नेम, तो कॉमा लगाते हैं एक जगह वेंडर VE, मैं देख के लिखूंगा क्योंकि गलती नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ये हो जाएगा हमारा वेंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड क्या था वेंडर नेम, वेंडर नेम ठीक है। सो वेंडर नेम तो एक ही फील्ड है हमारा हो जाएगा एंड देन लास्ट में हम क्या करते हैं कॉमा लगाना है एंड प्राइस PRICE प्राइस। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार इसके, फूड आइटम में PRICE। ठीक है उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर पाते हैं एंड ये लास्ट टाइम हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। सो जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 200.00 परफेक्ट, अगर मैं ओनली सिर्फ 200 लिखता हूँ देन हम लोग सर्च करते हैं तभी प्रॉपर काम कर, मतलब ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर ब्लैंक सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑल मिल जाएंगे। 150 करते हैं तो 150 सर्च पे क्लिक करेंगे 150। ठीक है सो यहाँ तक की जो फंक्शनलिटी थी हम लोगों ने ऐड कर ली है, एक बार फिल्टर कवर कर लेते हैं कि अवेलेबल इज नॉट अवेलेबल जो है। ठीक है तो मैं एक फील्ड और ऐड करता हूँ जो रहेगा हमारा यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर। सो लिस्ट फिल्टर में क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ दिखा दूंगा इज अंडरस्कोर अवेलेबल AVAILA, मैं कॉपी करूंगा वहां से ठीक है क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गई फिर टाइम थोड़ा और लेंदी हो जाएगा वीडियो का। कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना, कॉमा लगाना मत बोलना, कॉमा नहीं लगाओगे तो इसको एज ए स्ट्रिंग समझेगा पाइथन देन फिर से आपको एक एरर देगा। सो अभी हम लोग इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो ये जो होगा आपका देख रहे हो फिल्टर हो जाएगा आपके यहाँ पे, फिल्टर लगा लोगे इज अवेलेबल यस या नो, ठीक है यस नो यस मतलब अभी है नो तो ऑप्शन है नहीं कहीं तो नो नहीं है यस, तो जितने भी होंगे हमारे वो सारे फूड आइटम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सो हमने आज की क्लास में सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग अपने फूड आइटम को ऐड करते हैं एंड कैसे हम लोग इन फूड आइटम को एडमिन डॉट पे फाइल में सेटअप करते हैं, कौन कौन से फील्ड हमको डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है सर्च फील्ड कैसे ऐड करते हैं और प्री पॉपुलेटेड सेलेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में सीख ही लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग अपने मेन्यू बिल्डर में URL पे काम करेंगे, मीन्स कि जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं लॉग इन करता हूँ, अगर यहाँ मान के चलो लॉगिन करा हम यहाँ लिखा मैंने एजुकेशन फॉर नेशन एडमिन परफेक्ट ठीक है। सो जब हम इस पे क्लिक करेंगे मेन्यू बिल्डर पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है रेस्टोरेंट मेन्यू बिल्डर डॉट HTML फाइल आ रही है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं जितने भी हमारे मेन्यूज हैं उनको हम लोग यहाँ से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है तो कैसे उसके लिए हम लोग URL सेट करेंगे कैसे उसका सेटअप करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।